खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज और सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, मैं मानसी कोठियाल आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल BHBC न्यूज पर। और एंटरटेनमेंट के गलियारों से आपके लिए एक बार फिर लेकर आई हूं कुछ चटपटी मसालेदार खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के भाई भाभी राजीव सेन और चारू असोपा के बीच झगड़े की खबर आई थी। यहां तक कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया था, पर अब खबरें हैं कि दोनों का पैचअप हो गया है और झगड़ा बिल्कुल ठीक हो गया है और दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि दोनों डेट पर भी गए थे, जिसकी तस्वीर राजीव ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है। इसी के साथ उन्होंने कैप्शन डाला है कि आर फर्स्ट दिल्ली डिनर डेट। एक बार फिर सिंदूर और मंगलसूत्र में नजर आई राखी। अभी एक दिन पहले ही राखी की वेडिंग ड्रेस में तस्वीरें सामने आई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक फोटोशूट है। और अब इसके बाद ये वीडियो और पिक सामने आई है, जिसमें राखी मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए नजर आ रही है। अब इसके पीछे का क्या ड्रामा है ये तो राखी ही जाने कि अब कौन सी नई फुटेज लेनी है। इसी के साथ आपको बता दें कि रैपर बादशाह ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। जी हाँ, और रिकॉर्ड उनके नए गाने पागल का है, जिसे YouTube पे 24 घंटे के अंदर 7.5 करोड़ व्यूज मिले हैं, जो कि हॉलीवुड आर्टिस्ट टेलर स्विफ्ट को भी नहीं मिल पाए। इसी के साथ उन्होंने कोरियाई बैंड BTS के अप्रैल 2019 में बनाए रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। बादशाह के फैंस को उनका गाना कितना पसंद आया है इसका अंदाजा तो आप उनके व्यूज से ही लगा सकते हैं। शाहिद कपूर से लेके माधुरी दीक्षित तक, इन सितारों ने दी बधाई। बधाई इसलिए क्योंकि आज कबीर सिंह पर छाई हुई कियारा आडवाणी का बर्थडे है, तो इस खास मौके पर उन्हें कई सितारों ने बधाइयां दी है, जिसमें माधुरी से लेके वरुण और शाहिद से लेके कई बड़े सितारे शामिल है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर किस किस से विशेष मिली है। फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त मोस्ट सेक्सुअल एक्टर की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं अक्षय कुमार। उनकी साल में एक से ज्यादा फिल्म रिलीज होती है और सभी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले अक्षय कुमार बॉलीवुड के महंगे एक्टर्स में शुमार है। इसी के साथ बता दें कि सुनने में आया है कि अक्षय ने अपनी फीस भी बढ़ा दी है। सूत्रों के हवाले से डेक्कन क्रॉनिकल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अक्षय कुमार एक फिल्म के लिए 54 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे। एंटरटेनमेंट की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ BHBC न्यूज़ पर।